हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड मलाज खंड के वेस्टेज रॉक पत्थर को ठेकेदार पटले फर्म के क्रेशर की जांच की बात कही गई है। दो दिन पहले समाचार में आई खबरों से मलाज खंड बिरसा क्षेत्र में हड़कंप मच गया और बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि किस तरह से बोरखेड़ा स्थित क्रेशर संचालक द्वारा हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के वेस्ट रॉक पत्थर इनके क्रेशर में पीसे जा रहे हैं। ये बड़ा सवाल है और क्या इसकी जांच हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड प्रबंधन, खनिज विभाग एवं जिला प्रशासन करेगा, ये अति आवश्यक हो गया है क्योंकि वर्षों से संचालित इस क्रेशर में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के पीछे पहाड़ से क्रेशर संचालक द्वारा पत्थर चोरी करवाकर रात के समय क्रेशर में पीसा जा रहा है। वीडियो में क्रेशर के अंदर वेस्टेज रॉक पत्थर देखा गया है और ये किसी बड़े गंभीर खतरे को अंजाम दे सकता है। इसका अंदाजा खान प्रबंधन एवं जिला प्रशासन को भी नहीं होगा, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है क्योंकि अति संवेदनशील और अंडरग्राउंड कार्य के दौरान ब्लास्टिंग के समय दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आता, लेकिन यहां पर तो किसी भी खतरे से अनजान ट्रैक्टर चालक एवं मजदूरों की जान से खिलवाड़ करवाकर पत्थर निकलवाया जा रहा है जो कि गंभीर खतरे को अंजाम दे सकता है। ऐसा ही जब खबर सुर्खियों में आई तो लोगों में चर्चा आग की तरह फैल गई और ट्रैक्टर चालक और मजदूरों को पहाड़ किनारे से खतरे की जानकारी होते ही रुकवा दिया गया। लेकिन क्या इतने वर्षों से जो ठेकेदार द्वारा क्रेशर चलाया जा रहा है उसे पर्यावरण विभाग, वन विभाग, खनिज विभाग, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कोई पूर्व मंजूरी अनुमति मिली है या जिससे कि बेखौफ क्रेशर संचालक ऐसा करता आ रहा है, ये बड़ा सवाल खड़े कर रहा है। वहीं सूत्रों की माने तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड मलाज खंड ने केवल एक ही ठेकेदार जय कुमार असाटी को बोल्टर वेस्ट रॉक उठाने एवं क्रशिंग करने का नियम अनुसार अलॉटमेंट किया है एवं सभी विभागों से अनुमति लेकर इन्हें क्रेशर चलाने की अनुमति दी है। साथ ही इनके द्वारा सभी प्रकार के हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड एवं खनिज विभाग को कुछ माह में ही करोड़ रुपए का राजस्व चुकाया जा चुका है, तो फिर क्यों गणेश ट्रेडर्स फर्म के क्रेशर में कैसे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड मलाज खंड का पत्थर पीसा जा रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये क्रेशर किसका है? वीडियो बना रखे थे। हाँ तो पूछ रहा हूँ ना, ये पत्थर किसके हैं करके है? नहीं, पत्थर किसके हैं? ये जो रखे हैं SCL के, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के, वहीं के हैं ना पत्थर है? ओमकार भी जाएंगे तो पत्थर लोगे ना?